एक तरफ जहां पूरा देश क्या कह रहा है जी, पूरा विश्व एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसको परखा नहीं जा सकता, लेकिन उसी बीच हमारे कुछ ऐसे कर्मठ साथी हैं, वेदांता कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 दिन से लगातार उन लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं जिनके पास एक वक्त भी राशन नहीं पहुँच पा रहा है। आपका स्वागत है। ये व्यवस्था आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? ये हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स में सभी लोग मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा, लगभग कितने दिन हो गए इसको करते? इसको हमें करते हुए आज 11वां दिन है। 11वां दिन है। और ये लगभग कब तक जारी रहने हमारा प्रयास? सर ये आपका चलेगा, हम लोग चाहते हैं कि चले। क्या इसमें कोई अड़चन आ रही है बांटने वगैरह? बांटने में अड़चन ये करते बता रहे हैं ये बंद हो जाएगा, फिर ये करना है वो करना है, तो दिक्कत है थोड़ी हुई। अच्छा, रोज बदल बदल के दे रहे हैं, कैसे क्या क्या दे रहे हैं? रोज हम लोग बदल बदल के दे रहे हैं, इससे आदमी का पेट भी भर जाए और आत्मा भरे उसकी। इतना सुंदर विचारों के साथ ये लोग इतनी निष्ठा के साथ इस काम को कर रहे हैं, वेदांता कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, इनका ऊपर कोई भी सरकारी इनको सहयोग नहीं है और ये लोग अपनी ही जेब से व्यवस्था करके इसको कर रहे हैं। और वेदांता की तमाम हमारे मित्र हैं, युवा मंडल है जो प्रॉपर इसको रूप देने में लगा हुआ है। सर अभी ये लोग बना के चले गए और ये देखिए इसकी पैकिंग लगे, ये आपको बता दें ये हाइजेनिक प्रोडक्ट की तरह है और इसको प्रॉपर कागज क्या वो यूज कर रहे हैं ताकि कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं ये लोग और बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं। देखिए आप लोग, ऐसा जज्बा अगर कानपुर शहर के अंदर बना रहेगा तो शायद हमको कोरोना हरा नहीं पाएगा। उसका नज़ारा कर हम लोग दिया जला करके प्रस्तुत कर चुके हैं। देखते रहिए न्यूज़ UP 78। मैं सुमन मिश्रा, वेदांता कॉम्प्लेक्स किदोई नगर के ब्लॉक से। थैंक यू।